श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल सोमवार का दिन है और कल त्रयोदशी की तिथि है, यानी कि सोम प्रदोष का शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान रखें, सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित होता है और त्रयोदशी तिथि भी भगवान शिव को समर्पित होती है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको तीन महा उपाय बताएंगे जो कि आपको सोमवार के प्रदोष पर करना है। बहुत ही आसान से उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर में कोई भी बच्चा जिसका मन जो है शांत नहीं होता है, जिस दिन भर सोचते रहता है, यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, आपके घर में कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो बात बात पर किसी भी बात पर सोचने लग जाता है, टेंशन में रहता है, तो उसका जो चंद्र ग्रह है वो मजबूत नहीं है, तो चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए 108 चावल के दाने वाला ये अचूक उपाय आपको करना है। देखिए, ये उपाय वैसे तो बहुत आसान सा है, आपके जीवन में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है, जीवन में सुख शांति आती है। ये उपाय वो भी कर सकता है जिसे ये तकलीफ है, जो बात बात पर सोचते हैं, बात बात पर टेंशन लेने लग जाते हैं, वो व्यक्ति अगर ये उपाय करता है तो उसको निश्चित ही इसका फायदा मिलता है, या तो उसके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। बहुत आसान सा उपाय है, मात्र 108 चावल के दाने लेना है। देखिए, 108 चावल के दाने भी ले सकते हैं, या तो 21 चावल के दाने भी आप ले सकते हैं। क्या करना है, चावल के दाने लेना है, साथ में एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, और साथ में आपको एक और पात्र में जल लेना है, और उसके साथ में आपको लेना है मात्र एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र यदि नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। देखिए, ये आपको सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, लेकिन शिव मंदिर में आपको प्रदोष काल के समय जाना है। प्रदोष काल का समय रहता है सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यदि आपको प्रदोष काल का सही समय जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। देखो, सबसे पहला उपाय कैसे करना है, आपको भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। जिस स्टील के पात्र के अंदर आपने कच्चा दूध डाल रखा है उसी के अंदर आपको 108 चावल के दाने डालना है। किसे डालेंगे, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। ठीक है, इस प्रकार आपने जाप करके आपने 108 बार जाप करना और 108 चावल के दाने डाल देना। यदि 21 चावल के दाने लिए हैं तो 21 बार जाप करना और 21 चावल के दाने आप डाल देना। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, 108 दाने नहीं हो तो 21 चढ़ा देना, लेकिन साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। आपको एक बेलपत्र, आपकी जो भी मन की इच्छा है वो बोल करके कि मेरा मन जो बेचैन रहता है वो दूर हो, मेरे मन में जो भी ख्याल आते हैं अजीबोगरीब वो दूर हो, मेरे घर में सुख शांति आए, मेरे जीवन में सुख शांति आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखिए, डंडी जो होगी वो जलाधारी की साइड होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपने एक बेलपत्र चढ़ा दिया। अब आपके पास है स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चावल डालना है। अब आपको वो पात्र आपके हाथ में रखना है और चंद्र देव का स्मरण करना है और सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है। सोमेश्वर महादेव, देखो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये जो जल है, कच्चा दूध है, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करेंगे, वैसे चंद्र ग्रह जो होगा वो मजबूत होता है, और चंद्र ग्रह अगर मजबूत होते हैं ना तो शीतलता आती है जीवन में, सुख आता है, शांति आती है। देखो, कई लोगों के पास क्या रहता है, धन तो खूब रहता है लेकिन उनके जीवन में सुख शांति नहीं रहती, रोग ही रहते हैं, या तो उनके जीवन में टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख शांति होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुख शांति अगर जीवन में होगी, अगर आपकी निरोगी काया होगी, तो आप इन सभी वस्तुओं का भोग कर पाएंगे। तो इसीलिए चंद्र ग्रह को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है, तो इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है। अंत में आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं वो भी भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जो आप कच्चा दूध अर्पित करेंगे ना, तो वो बेल पत्र की ऊपर वाली पत्ती पर अर्पित करना, उसको स्पर्श होते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक होगा। और उसके बाद स्टील के पात्र के अंदर जो भी चावल रह जाते हैं तो आप सीधे हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पहला उपाय करना, ये पहला उपाय इसलिए खास है क्योंकि ये चंद्र ग्रह को मजबूत करता है, जीवन में सुख शांति लाता है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय आपके घर में धन की वृद्धि करने के लिए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन की समस्या आ रही है तो सोमवार की प्रदोष बहुत खास होती है, और इसी सोमवार की प्रदोष पर आपको 2 दीपक वाला ये उपाय करना है। देखिए, ये 2 दीपक वाला उपाय अलग है,
ठीक है। उज्जय गुरुदेव ने दो प्रकार के दो दीपक वाले उपाय बताए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लक्ष्मी वृद्धि का, धन वृद्धि का ये उपाय बताने वाला है। दो दीपक आपको लेना है, आटे के लेना चाहे तो बिना नमक का आटा मड़के उसके दीपक बना लें, नहीं तो आप जो माटी के हैं माटी के दीपक भी ले सकते हैं, ठीक है। एक दीपक आपको लगाना है गोल बाती का और एक दीपक आपको लंबी बाती का। लंबी बाती जो लेंगे आप, लाल रंग की मोली के धागे की बाती लेना, ठीक है। इस प्रकार से दो दीपक आपको तैयार कर लेना है और दोनों दीपक के अंदर आपको घी भरना है, बहुत ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय, देखो प्रदोष काल का जो समय है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर हम लिख करके आपको दे देंगे, नहीं तो आप सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, ये डेढ़ घंटे का समय होता है प्रदोष काल का, तो इस समय भी आप जा करके ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। सोमवार के दिन बेलपत्र की जड़ में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है, साक्षात माता रानी का वास होता है, और सोमवार की प्रदोष तो सबसे उत्तम होती है, ध्यान रखना। तो सोमवार की प्रदोष की रात में आपको ये जो लंबी बाती वाला जो दीपक है वो आपको बेलपत्र की पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करके आना है। वहाँ पर आपको ओम महालक्ष्मी नमः या तो ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और महालक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि जीवन में धन की वृद्धि हो, जीवन में जो कष्ट हैं वो सब दूर हो, अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति हमें हो। तो इस प्रकार से आप पहला दीपक लगा देना, ठीक है। अब जो दूसरा दीपक है वो आपको भगवान शिव के मंदिर में लगाना है, और भगवान शिव के मंदिर में जब आप लगाएंगे, चौखट पर भी लगा सकते हैं या तो मंदिर के अंदर भी लगा सकते हैं, मंदिर के अंदर लगाएंगे उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और जीवन से कष्ट दुर्भाग्य दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा दीपक भी महादेव के मंदिर में आपको अर्पित करके आ जाना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि धन प्राप्ति के लिए है, वहाँ पर भी भगवान शिव के वहाँ पर भी आपको धन की कामना करते हुए ये दूसरा दीपक आपको लगा देना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय, तीसरा उपाय भी बहुत खास है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बात पर कोई किसी को भी कुछ तो भी बोल देता है, घर में बिल्कुल क्लेश का वातावरण रहता है, आसपास के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग आपके घर वालों के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि आपके घर में क्लेश ही इतना होता है, कोई आपस में अच्छे से बात नहीं करता है, घर का जो माहौल है बहुत बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको आज का ये उपाय करना चाहिए, ये उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए। मात्र एक बेलपत्र और एक लोटे जल का ये उपाय है। आपको छापे वाला, इसे इस उपाय को छापे वाला उपाय कहते हैं। छापे वाला उपाय किस लिए कहते हैं आप आगे समझ जाएंगे। आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय आपको जाना है मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आपको जाना है, और शिव जी के मंदिर में जा करके आपको एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर के जाएंगे। आप क्या करेंगे, जो एक बेलपत्र है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में, अब जैसे आपने अर्पित करी आपके घर के ग्रह क्लेश दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करना है। डंडे वाला जो हिस्सा होगा वो जलाधरी की तरफ होना चाहिए, इस प्रकार से आप अर्पित कर दें। अब देखो, अब विशेष अब जल कैसे चढ़ाएंगे, बहुत ध्यान से समझना, ये जल बिल्कुल अलग तरीके से चढ़ाना है। सबसे पहले हम क्या करते थे, गणेश जी वाले स्थान पर जल अर्पित करते थे, तो इसमें आपको गणेश जी वाले स्थान से जल अर्पित नहीं करना है, इसमें आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर गणेश जी वाले स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपको जल अर्पित करना है, फिर माता के हस्त कमल के वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। जैसे आपने जल अर्पित कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपका सीधा हाथ, यहाँ पर आपने बेलपत्र रखा था, बेलपत्र पर आपका सीधा हाथ रखना, ठीक है। आपका हाथ बेलपत्र पर भी रहेगा और भगवान शिव के शिवलिंग पर भी रहेगा, ठीक है। आपका हाथ जो आपने भगवान शिव के शिवलिंग को छुआ था, वो हाथ जैसे आपने रखा था, उसके बाद आपको हाथ को पोछना नहीं है, ठीक है। आपको किसी से भी पोछना नहीं है और ना ही उस हाथ से किसी भी चीज़ को उठाना है, यानी कि तांबे का पात्र भी अगर आप ले गए हैं शुद्ध जल से अभिषेक करने के लिए, तो उससे भी आपको उसको स्पर्श नहीं करना है और ना ही किसी और जगह उस हाथ को रखना है। आप आपके घर पर सीधे आ जाएं और आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के ऊपर साइड आपको इसका छापा मार देना है। आपको आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर करना है और मुख्य द्वार पर स्पर्श करते हुए आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर के ये जो भी ग्रह क्लेश हैं वो सब दूर करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये हाथ वहाँ पर आपको छापे लगा देना है। बस इतना सा उपाय करना है। ये उपाय करने मात्र से आपके घर के जितने भी क्लेश होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। बड़ा ही आसान सा उपाय है, ये भी उपाय ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महा।